हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड, टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मैं इस राशि एरीज का निकाल रही हूँ और 21 मई to 10 जून कैसा रहेगा, कपल्स करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की और आपकी, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो 1 वीक का मुझे टाइम मिल रहा है। मेष राशि में अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा था किसी को कि कोई क्वेश्चन है, देन आप दे सकते हो। नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन ज़रूर दें, ठीक है? क्वेश्चन देंगे आपके, मैं रीडिंग कर दूंगी नेक्स्ट वीक में। जिनको लग रहा है कि अर्जेंट है या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्या होगा क्या नहीं, क्वेश्चन ज़रूर देंगे तभी रीडिंग होगी, ऐसे नहीं। और क्वेश्चन के साथ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ज़रूर देना, ठीक है? चलिए देखते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके। ऐसा है, उनकी जो फीलिंग है वो है, बट गॉड आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, ठीक है? स्टार का कार्ड आया तो गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर लौट के आ रहे हैं, ऐसा पूरा मैं ये कह सकती हूँ। वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो अब समझ चुके हैं कि आप ही बेस्ट हो, अगर इनकेस नो कॉन्टैक्ट में है देन, ठीक है? थोड़ी स्लो एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था, डेविल एनर्जी भी दिख रहा है, और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के लौट कर, ठीक है? क्योंकि 10 ऑफ पेंटकल्स आया है, जो ये शो कर रहा है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली बनने वाली है। मैरिड लाइफ का मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि एक हैप्पी फैमिली आप लोग फिर से बनने वाले। थोड़ी स्लो एनर्जी है आपके पार्टनर की, बट होगा, ठीक है? और इन केस किसी ने जस्टिस का भी कार्ड आया है, अगर किसी ने केस फाइल कर रखा है और फिर भी आप चाह रहे हो कि उनके साथ रहना, देन मैनिफेस्ट जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ठीक होते हैं। मैरिड लाइफ का तो ज़रूर ठीक होता है, आप विश्वास रख के करेंगे तो ज़रूर ठीक हो जाए, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी के साथ ऐसा है। और फीलिंग्स उनकी ऐसी है कि अब आपके बारे में वो सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि आप क्या हो क्या नहीं। और उससे भी बड़ी बात है, 6 ऑफ कप्स आया है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए कि वो आपके, जब उन कहते हैं ना, समय जो बदलता है, गॉड ने उनको बहुत कुछ समय ने सिखा दिया उनको, और मैनिफेस्ट भी वो भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत किया, हर जगह जो सोचा, यानी उनके पास उनका लग रहा है कोई था बीच में, कोई ना कोई था बीच में, जिस वजह से अगर रिश्ते में कहीं कुछ ऐसा हुआ था, देन उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अब उनको डिसीज़न लेना आसान पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको जान चुके हैं कि आप क्या हो और क्या नहीं, ठीक है? ऐसा लग रहा है मुझे कि जो हर कहते हैं ना, घूट घूट का या घड़े घड़े का पानी पीना कहावत सुनी होगी, तो वो चीज़ उन्होंने किया, और उनको जो समझ में आया कि आप ही बेस्ट हो, आपके लिए ही वो सब चीज़। और भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, उससे और पता चल जाएगा कि क्या है वाकई में। बिल्कुल सक्सेस है आपके लाइफ में, ठीक है? लव लाइफ में फीलिंग्स ऐसा है कि अगर आप वेट कर रहे थे, देन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, लेकिन आप लोग मैनिफेस्ट करते रहेंगे। अगर आप कर रहे हो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, और विश्वास रख के करें तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है? आपकी लाइफ में अभी यानी खुशियाँ जो कह रहे हैं ना, मैच्योर होकर आपके पार्टनर ना कार्ड्स आए, मैच्योर होकर वो आ रहे हैं, ठीक है? अब वो चीज़ नहीं रहा, उनके अंदर बचपना नहीं है, और सब चीज़ को समझ लिया, समय ने उनको मोस्टली सिखा दिया, ठीक है? और बिल्कुल जो कहते हैं ना, क्लीन एंड क्लियर हो के आ रहे हैं। और लव लाइफ अब में आपकी सक्सेस अब है, डे बाय डे अब बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए परेशान तो बिल्कुल भी नहीं हो आप। और अब एंजल क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं कि वाकई में जो मैं कह रही हूँ, और सक्सेस का भी है, सेलिब्रेशन भी है, आप लोग सेलिब्रेट भी करने वाले हो, चलिए देखते हैं। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज़ फ्यू वीक्स में आप लोग का बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है? आपकी विशेष सुना, यानी कि सुन रहे हैं गॉड आपके लिए, इस चीज़ को समझें, बिल्कुल गॉड सुन रहे हैं आपकी बात को। और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो और एक दूसरे को वो समझोगे, दोनों ही हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब वो लौट के आए, देन आप फिर से यानी कि वो सब टॉपिक नहीं शुरू करना, ठीक है? इन द नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है फ्यू मंथ्स में हो जाएगा आपका, या फ्यू डेज़ में भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, इसलिए मैं कहूँगी। लेकिन और जब आएंगे एकदम नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? और स्टेबिलिटी भी रहेगी, अब वो सम वो नहीं रहा कि हाँ परेशान हो गया कुछ होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी है अभी भी आपके पार्टनर के अंदर, थोड़ा बहुत डेविल एनर्जी अभी भी है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, ठीक है? चलिए अब और भी कार्ड्स देखते हैं, उससे और पता चलता है क्या है नहीं है आपका। भाई आया है, अगर लौट के जब आते हैं ना आपके पार्टनर, चाहे मैरिड वन मैरिड बोथ को, मैं कहूँगी कि कोशिश करना है फॉरगिव करें, और फिर आपको उस चीज़ टॉपिक पे नहीं जाना है, बी पॉजिटिव रहना है आपको हमेशा, क्योंकि आप लोग ऑनेस्ट बहुत हो, ठीक है? ऑनेस्ट हो
और आपका जो है ना वर्क कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो वर्क कर रहा है ऐसा दिख रहा है मुझे। और हो सकता है अभी कुछ टाइम में आप लोग को फिदर्स भी दिखाई देंगे, यानी एंजल आपको कुछ ना कुछ मैसेज देंगे ऐसा दिख रहा है। और लाइफ में आपकी विशेस पूरी होने वाली है, बस चीटिंग हुई थी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लवर्स का भी डेक में था तो मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पार्टनर लौट के आ रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का आना ही वो शो कर रहा है कि लौट के आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने प्रे बहुत किया गॉड से, गॉड से जो प्रे किया उनको वही सुनवाई हो रही है आपकी, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। गॉड और एंजल, आप जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि वो सुन रहे हैं, आपकी सुनवाई होने वाली है ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे, क्योंकि और बहुत मेहनत की आपने अपने पार्टनर को लेके ना बहुत। और सबसे खुशी की बात है कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया तो आप लोग सेलिब्रेट तो ज़रूर करोगे, और सक्सेस एंड सेलिब्रेशन बोथ है, इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा है कार्ड्स आए हैं। और 21 मई से 10 जून में आप लोग का कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर होने वाला है, और पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस होंगे और आप लोग को पॉजिटिव रहना भी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उनको समझ में आ गया और कह रहे हैं कि बस अब मैं आ रहा हूँ, वो यही सोच लो। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो फ्रेंड्स।